सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने में लेट हो गई हूँ। तो बहुत ही आसान और बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बना के रोटी के साथ खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बिना रोटी के सिर्फ ऐसे ही भी खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये बनती है। तो हम बनाने वाले हैं मटन काली मिर्च, काली मिर्च वाला गोश्त भी कह सकते हैं या नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे घर में बनता है या जो फिर मैं बनाती हूँ, ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 2 किलो मैंने मटन लिया है और इसको अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था, इसका पानी निचड़ चुका है। कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा चिकना है, इसलिए हम ऑयल थोड़ा कम ही लेंगे। उसके अलावा 2 मैंने प्याज ली है और प्याज को मैंने बारीक काट लिए है। आप चाहें तो प्याज कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी लिपटी हुई ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 400 ग्राम मैंने दही ली है, दही ना खट्टी हो ना मीठी हो, जो नॉर्मल दही होती है वो होनी चाहिए। 4 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ऊपर से इसमें जाएगा लेमन जूस। मसाले बिल्कुल सिंपल हैं। 3 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टीस्पून चाट मसाला। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम अपना काली मिर्च मटन। ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल की क्वांटिटी, नमक और पिसी हुई काली मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्लेम हम अपनी मीडियम रखेंगे। बस इसका जब थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट सा कलर हो जाएगा या फिर ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और कुछ सेकेंड हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और देते हैं हम इसमें मटन, मीठे मसाले, धनिया पाउडर, नमक, चाट मसाला, थोड़ा चाट मसाला और काली मिर्च हम ऊपर से स्प्रिंकल भी करेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा। जीरा पाउडर और ये पिसी हुई काली मिर्च, सभी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। अभी में हम डाल देते हैं दही। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो बस देखिए सभी चीज़ें हमने साथ में ही डाल दी हैं। थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लेते हैं। डालेंगे हम इसमें 1/2 कप पानी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त भी दही भी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। तो बस इसी में हमारा जो गोश्त है वो गल जाएगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं बल्कि पॉट में बना रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी ज़रूर डालिएगा। तो बस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लेके इसको लो फ्लेम पर पकने देती हूँ, जब तक कि मटन हमारा 90% कुक नहीं हो जाए। बाकी का 10% हम इसको जब भूनेंगे तब गलाएंगे। तो मटन हमारा 80-90% गल गया है, मैंने चेक कर लिया है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है क्योंकि गोश्त ने भी पानी छोड़ा था और दही ने भी। तो अब हम इसे भूनेंगे। तो देखिए गोश्त में कितना ज़्यादा पानी है, तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा गुंजाइश रखी थी, कसर रखी थी, क्योंकि इस पानी को ड्राई करने में गोश्त थोड़ा और गल जाएगा। तो बस हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, पानी एकदम ड्राई हो गया है,
और जो थोड़ा सा ये गला हुआ कम था वो भी परफेक्टली डन हो गया है। तो बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए तैयार है हमारा काली मिर्च वाला मटन, बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है, इतना टेस्टी है और जितना ये खाने में टेस्टी है उतना बनाने में आसान है, बहुत लाइट है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। तो इसको हम इसी तरह से इसी पॉट में सर्व कर रहे हैं और डाल रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, आपकी पसंद के ऊपर है क्योंकि लाइट है, बहुत स्पाइसेस इसमें, और लेमन का जूस। तो बस ये खाने के लिए तैयार है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।